नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल ई गुरु जी यूट्यूब चैनल में। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं 2011 से 2019 तक के सभी प्रश्न जो कि यूपी टेट में आपके पूछे गए थे पर्यावरण के। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे 2013 के क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे 2011 के क्वेश्चंस। अगर आपने नहीं देखा हो तो आई बटन पर जाकर एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट 2013 के क्वेश्चंस की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ऑप्शन है आपके गुजरात, गोवा, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कोई समुद्री सीमा नहीं है। इस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं लगती है। गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र जो है वो आपके पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित एक प्रमुख बंदर का राज्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है किससे मापी जाती है? ATP, STP, BOD या WPI? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, BOD। BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से किसी नदी के जल प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम, मलेरिया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जुकाम। जुकाम आपका वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, जबकि टाइफाइड, कोलरा और आपके मलेरिया ये जल जनित रोग होते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तापमान, आर्द्रता, पवन या वृष्टि? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, वृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल या आयनमंडल? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मध्यमंडल। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है, क्योंकि मध्यमंडल तथा वायुमंडल का तापमान गिरता है तथा मध्यमंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। मध्य सीमा पर तापमान गिरकर 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर आपका मेथेन? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मेथेन। मेथेन जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस में आता है, जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, CH4 जिसको बोलते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसे कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973, 82, 92 या 96? तो इसका राइट आंसर होगा आपका फ्रेंड 1973। ए, बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई थी सबसे पहले, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो कि 2013 में पूछा गया था EBS से, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम यामी उत्तर पर खींची है? ऑप्शन है आपके अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान यामी उत्तर रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पृथ्वी तल पर 180 डिग्री मेरिडियन यामी उत्तर रेखा जो काल्पनिक रेखा है उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा से पृथ्वी को पूर्वी तथा पश्चिम देशांतर में बांटा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ऑप्शन है आपके गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार मन्नार की खाड़ी में स्थित राष्ट्रीय पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर से एक भाग का निर्माण करती है। भारत के रामेश्वर द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक ये स्थित है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायो रिवर भी है। नेक्स्ट है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 940:1000। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी या तितली? तो यहाँ पे केंचुए को जो है किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये केंचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करते हैं जिससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्षों के कटाव के विरुद्ध प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले से की गई थी। इस आंदोलन को वर्ष 1973 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट आपका, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इटियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इथियोलॉजी
डेमोलॉजी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इथोलॉजी। विज्ञान के इथोलॉजी विषय के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नियोलॉजी विषय के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का या लोहे का। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी आयोडीन। नेक्स्ट है आपका सैक लाइकेन है परजीवी, रसायन, स्वपोषी, अपघटक, सहजीवी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ऐसे जंतु पौधे जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं वे सहजीवी कहलाते हैं। राइबोसोम, सैक लाइकेन प्रमुख सहजीवी। नेक्स्ट आपका सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है, वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में या वाहनों एवं उद्योग दोनों में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। सीएनजी का ईंधन के रूप में वाहनों में और उद्योगों में दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। सीएनजी की फुल फॉर्म है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है आपका 17 पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है, व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप या अध्ययन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्षेत्रीय भ्रमण। विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का सृजन करने के लिए उनको क्षेत्रीय भ्रमण कराना चाहिए जिसके तहत उनको वास्तविक वातावरण व मानव जीवन में उनकी उपयोगिता का ज्ञान होता है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए वे प्रोत्साहित भी होंगे। नेक्स्ट आपका एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है, लोपेट गेम्स का, लॉक पैसेंजर गाड़ी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का या लोकल पेट्रोलियम गैस का। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी एलपीजी जो है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का एक घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। एलपीजी के मुख्य अवयव ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या बीटा किरणें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट आपका चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, बच्चे देता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी चमगादड़ बच्चे देता है। जीव वैज्ञानिकों ने चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा है क्योंकि चमगादड़ बच्चों को जन्म देती है तथा उन्हें दूध पिलाती है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है, एबायोटिक, एफ बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए एबायोटिक, एफ बायोटिक घटक। पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है जो व्यवस्थित समूह में होता है जिसमें सभी घटक बायोटिक तथा एबायोटिक प्राकृतिक में संतुलित रूप से रहते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है, यूनेपा, यूएनडीपी, यूनेस्को या डब्ल्यूएचओ। तो इसका राइट आंसर आपका होगा आईयूसीएन। ये जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई भी संस्था जो है वन्य जीव संरक्षण के लिए यूज नहीं होती, जो यूज होती है वो होती है आपकी IUCN। IUCN की फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट है आपका 23 कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीज के रूप में किया जाता है। बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्री, फुलेरिया, जैट्रोफा, देवदार या यूकेलिप्टस से। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी जैट्रोफा। नेक्स्ट है आपका विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 25 अप्रैल को या 5 जून को। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस ओजोन संरक्षण के जागरूकता के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका सिवी कल्चर संबंधित है वन वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से या उर्वरक से। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सिवी कल्चर के अंतर्गत वन वन्य सामग्री का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्र प्रभाव वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, लखीमपुर खीरी में, चंदौली में, लखनऊ में या वाराणसी में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी चंदौली में आपका चंद्र प्रभाव वन्य जीव अभ्यारण स्थित है। चंद्र प्रभाव वन्य जीव अभ्यारण की स्थापना 1957 में हुई। इस अभ्यारण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, हाथी, सांप, शेर, बकरी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सांप जो है आपका द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, जबकि हाथी है, बकरी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, शेर जो है वो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये भी आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड और ये थर्ड। नेक्स्ट है झूम खेती होती है, ये आपकी केरल में होती है, बिहार में, मेघालय में या तमिलनाडु में। तो
तो झूम खेती जो होती है आपकी पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों पर की जाती है। तो ये झूम खेती जो होती है आपकी मेघालय में होती है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड का। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के ठोस रूप को कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 2013 के यूपीटेट 2013 के EVS यानी कि पर्यावरण के 30 क्वेश्चन जो कि हमने आपके सामने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीटेट फरवरी 2014 के 30 क्वेश्चन, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो आप एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा 2011 जो क्वेश्चन पूछे गए थे, और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।